नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका न्यूज़ 9 नेटवर्क में। मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं मॉर्निंग बुलेटिन। यहां आप देखेंगे देश और प्रदेश की तमाम छोटी और बड़ी खबरें। मैनपुरी से खबर है जहां वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल बीपीएल के प्रदेश अध्यक्ष सादिश अली मसीह ने सपा पार्टी सांसद डिंपल यादव एवं बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल बीपीएल के प्रदेश अध्यक्ष साबिर अली मसीह 11 दिसंबर 2022 को मैनपुरी के रूपन होटल में प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया को अपने बयानों में बताया है कि सपा पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाए जाने पर 2012 में रिक्त सीट कन्नौज में उपचुनाव हुआ था। उसी समय प्रदेश अध्यक्ष साबिर यादव उर्फ सादिश अली मती और कई कार्यकर्ताओं को अपहरण किया गया था। उसकी कार्रवाई सीबीसीआईडी की जाँच चल रही है। उसी समय डिंपल यादव को निर्विरोध सांसद चुना गया था। उसकी कार्रवाई आज भी चल रही है, जिसमें सादिश यादव उर्फ सादिश अली मसीहा मानवाधिकार से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन सुरक्षा आज तक नहीं मिली है। अतः माननीय वर्तमान सांसद व वर्तमान मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अगर सुरक्षा में चूक हुई तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष की जान को खतरा है। अगर खतरा हो गया तो हमारे वर्तमान सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनका परिवार जेल चला जाएगा। इसलिए शासन व प्रशासन से अनुरोध है कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि वर्तमान सांसद डिंपल यादव व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का परिवार जेल जाए। अगर सुरक्षा मुहैया नहीं हुई तो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के कार्यकर्ता अनशन पर बैठेंगे। जो सीबीसीआई की जांच का कार्यक्रम चल रहा है उसको आगे बढ़ाइए और मुझे सुरक्षा दीजिए। अगर सुरक्षा नहीं दे सकते हो तो मर्डर कराने की डेट घोषित कर दीजिए। नहीं तो ये मान लिया जाए समाजवादियों से खतरा है क्या? नहीं, समाजवादियों से तो पहले खतरा था ही। अब इसलिए खतरा करेंगे कि सीबीसीआई की जांच चल रही है, इसलिए ये खतरा नहीं करेंगे। अभी समाजवादी से खतरा नहीं आप मान रहे? अभी नहीं। अब खतरा किस से? आप तो मौजूद सरकार से बीजेपी बीजेपी वोटर पार्टी इंटरनेशनल है, इससे जिस खतरा है जो समाजवाद भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी सीधी से भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर वगैरह हैं, इनके लोगों से, इनके गुंडों से खतरा है। कोई जो सुरक्षा चलते ट्रक चढ़ा देगा। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है मेरी सुरक्षा की जाए। अगर आप सुरक्षा न कर सके तो हमें लिखित में दे दें, मैं सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है और हम आपका मर्डर कर देंगे, इतनी सुरक्षा दे सकते। साधना गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष पद चुनाव होती, आप सबसे अपील करती हूँ कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए भारी बहुमत से मुझे जिताएंगे। मैंने विगत पांच सालों में, मैं पूर्व चेयरमैन भी रही हूँ, और 5 सालों में मैंने जो विकास की गंगा मैनपुरी में बहाई थी वो शायद किसी चेयरमैन के द्वारा नहीं किया गया है। और इन्हीं मुद्दों पर मैं मैनपुरी की जनता के बीच में जाऊंगी। बहुत बहुत सबका इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।